दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी और सभी देवी देवताओं को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। अब गुरु हमें बताते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमारा जो नित्य संबंध है वो भगवान से। अब उस नित्य संबंध को तो हम भूल जाते हैं और संसार से अपनापन कर लेते हैं कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, पति मेरे हैं, इनसे अपनापन कर लेते हैं। तो जिससे अपनापन होता है उसी के विचार आते हैं, उसी का चिंतन चलता है। और भगवान का चिंतन करते तो हैं, नाम जप भी करते हैं, पर अपनापन संसार से ही रहता है। तो गुरु कहते हैं विचार करके और बार बार कह कर। एक तो विचार से हम मान लेते हैं कि जब ये संसार बना तो कुछ नहीं था पहले, है ना, कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान थे और भगवान ही सब कुछ बन गए। ये शरीर तो कुछ समय के लिए मिलता है फिर छूट जाता है, तो इससे अपनापन, और ये शरीर है तो इसी से संबंधित सब घर है, परिवार है, सब कुछ इसी से संबंधित तो है। तो ये मेरा जब नहीं है तो कुछ भी मेरा नहीं है। तो इसको मैं मानकर और मेरे वालों को अपना मानकर हम इसी में फंस के रह जाते हैं। तो गुरु कहते हैं नहीं, अपनापन भगवान से करो। जिससे अपनापन करोगे वो ही याद आएगा। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस अपनेपन को पक्का करें, भगवान से संबंध बनाएं। हम जप तो करते हैं पर संबंध नहीं बनाते भगवान से। तो संबंध भगवान से बनाएं कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। बार बार पक्का करें, हजार बार पक्का करें, लाख बार पक्का करें, क्योंकि संसार तो हमको जन्मों जन्मों से पक्का है, है ना, संसार तो हमको जन्मों जन्मों से पक्का है। और भगवान हमें अभी गुरु पक्का करा रहे हैं। लड़की की शादी होती है तो झट पति को अपना मान लेती है और उस घर को भी अपना मान लेती है, जबकि वो घर भी उसका अपना नहीं है। पली बड़ी मैके में हुई, पढ़ाई लिखाई मैके में हुई, पर अब झट कह देती है मेरा घर। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से पक्का है कि मेरी शादी होगी और वो घर मेरा अपना हो जाएगा और ये मायका पराया हो जाएगा। पर हमको किसी ने नहीं कहा, किसी ने पक्का कराया कि तुम भगवान को, माता पिता ने कराया, किसी ने कराया, किसी संबंधी ने कराया, माता पिता ने कराया कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे। और सब संबंध शरीर के हैं, तुम जो आत्मा हो उसके ये संबंध नहीं है। और आत्मा ही सत्य है। शरीर तो बनने बिगड़ने वाले हैं, हर जन्म में मिलते हैं, हर जन्म में छूट जाते हैं, पर आप तो वही रहते हैं। आप वही रहते हैं या नहीं? आप तो वही रहते हैं। अगर आप अनेक जन्मों को देख लें तो आप वही रहते हैं। शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं पर मैं स्वयं जो हूँ वही रहता हूँ। तो गुरु हमको बार बार पक्का करा रहे हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। इस संबंध को बनाकर भगवान को याद करते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो। जब हमने ये संबंध बना लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान के यहाँ बीमा हो गया, हमारी इंश्योरेंस हो गई। अब आप उसकी किस्त भरते रहिए। किस्त क्या है? उन्हें याद करना, उनका नाम जप करना, है ना। तो अपनापन तो भगवान से करें, अपनापन संसार से ना करें। संसार का संबंध सेवा का है। देखिए, चिंता, फिकर, भय, चिंतन, संसार का क्यों चलता है? क्यों चलता है? क्योंकि संसार से अपनापन क्या हुआ है? अगर यही अपनापन हम भगवान से कर लें तो ना भय होगा, ना चिंता होगी, ना चिंतन होगा, संसार का कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे सेवा करनी है, ऐसे समझ लीजिए कि एक आया है तो वो सेवा करती है और खूब सेवा करती है, बड़े प्यार से सेवा करती है,
पर उसके अपनेपन का संबंध किससे है? अपने गांव में जो उसका घर है, जैसे मैंने भी देखा शरीर से बेटा है, तो उनके एक सेवा लड़की में, लड़की सेवा में रहती थी, बड़े प्यार से सेवा करती थी, बड़े प्यार से, बहुत ज़्यादा प्रेम से और बहुत अपनेपन से। पर उसके माता पिता ने उसे याद किया कि तुम आ जाओ वापस, तो वो फट चली गई, एक दिन भी नहीं रुकी, फट चली गई। तो उसके अपनेपन का संबंध कहाँ है? वहीं है। कितना भी कहो, सेवा भी करेगी, सब करेगी, सब, पर उसके उसके अपनेपन का संबंध कहाँ है? जो गांव में मेरा घर। तो हमारे अपनेपन का संबंध किससे है? विचार करें, जब कुछ नहीं था तो क्या था? भगवान थे, निराकार चेतन तत्व ही था। अब सब कुछ कौन बन गया है? भगवान कह रहे हैं मैं जगत में ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे बर्फ़ में जल। बर्फ़ में जल कहाँ नहीं है? तो जगत में भगवान कहाँ नहीं है? सब कुछ वही बन गए, सब कुछ। तो ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, ममेवांचो जीव लोके जीव भूते सनातना। मैं उन्हीं का अंश हूँ, मैं उन्हीं से हूँ। जैसे गुरु बताते हैं, शेर का बेटा, शेर का बच्चा, शेर जो जिसका अंश होता है उसी का होता है। तो हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बेटे हैं। तो हम भगवान के बेटे हुए तो हम किसके हुए? भगवान के हुए। तो शरीर माँ बाप का बेटा है, पर मैं स्वयं जो हूँ वो भगवान का बेटा हूँ। ठीक, मैं भगवान, मैं किसका बेटा हूँ? मैं भगवान का बेटा, भगवान मेरे माता पिता हैं। तो उनसे जो हमारा संबंध है वही पक्का और वही सच्चा है। तो उसको बार बार याद करके, जब हम ज़्यादा कर्मों में रहते हैं या ज़्यादा व्यवहार में रहते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो बार बार का सत्संग, बार बार का नाम जप हमारे उस संबंध को बार बार पक्का कराता है। पूछो तुम अपने से, तुम किसके हो, कौन हो, कौन है तुम्हारा? देखिए व्यवहार में भी हम देखते हैं, लड़की की शादी हो गई, वो प्रेम मानती है माता पिता से, ऐसा नहीं है, पर वो रह सकती है आपके साथ? नहीं, तो चली जाएगी। वो आएगी भी सुख दुख में तो अपने बच्चों को पहले देखेगी, क्या करेगी, उसका रोल ऐसा है ना। बेटा हो जाएगा तो वो भी अपनी पत्नी और बच्चों को देखेगा। आपका कौन है? सोच के देखिए, आपका कौन है? मेरे तो ठाकुर जी हैं। तो हर किसी को पक्का कर देना चाहिए कि इस संसार में मेरे तो ठाकुर जी, मेरे तो भगवान हैं। और गुरु हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं, कराते हैं, कोई नहीं कराता। पूरी दुनिया एक तरफ, गुरु एक तरफ। गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, अपनापन भगवान से कराते हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, उनसे अपनापन करो, उनसे संबंध बनाओ, उनसे प्रेम करो। वो ही संबंध रहने वाला है और अंत में वो ही काम आने वाला। जीवन भर आपने सेवा करी, जीवन भर, और अंत में भगवान याद नहीं आए, घर वाले ही याद आए, तो क्या होगा? उनको दुखी होके आप, है ना, दुखी होकर आप मरे, याद कर करके। उन्होंने भी कहा हाय मम्मी, हाय पापा, और हम भी कह रहे हैं हाय बेटा, हाय बेटी, तो क्या हुआ हमारा जन्म, क्या हुआ हमारा जन्म? जन्म तो बेकार हो गया ना। और यही हम हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ कहते हुए हमारा शरीर छूटता तो कितना सुंदर था। या हरे कृष्ण या राम राम, जो भी आपने मंत्र दिया है वो कहते हुए, अब ध्यान भगवान की तरफ है और याद हमें भगवान। जब भीष्म पितामह का शरीर छूट रहा है तो उन्होंने भगवान से कहा था कि भगवान अंतिम समय में आप मुझे दर्शन दीजिएगा। रहते तो कौरवों के साथ थे पर उनका प्रेम पांडवों से था। ये कितना मुश्किल है, हम लोग सब रहते संसार में हैं पर प्रेम कहाँ करना है? भगवान में। भीष्म पितामह ने दिखाया ना, वो रहते तो कौरवों के साथ थे, निष्ठा उन्हीं के सेनापति थे,
उन्हीं की गद्दी से बंधे हुए थे, पर प्रेम उनका कहाँ था? पांडवों से, भगवान कृष्ण से, और बराबर उनको याद करते थे। तो भगवान ने जब वो उनका 6 महीने वो शैया पे लेटे रहे, आप सब जानते हैं बाड़ों की शैया पे हमारे एक मच्छर तो काट जाए, एक फुंसी तो निकल आए, पर कितना उनका ध्यान पक्का होगा भगवान ने कि उन्होंने उफ नहीं करी, परेशान नहीं हुए, उनका ध्यान बराबर भगवान में लगा रहा। कितना उनका प्रेम होगा, कितना अभ्यास होगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारी निष्ठा पक्की होती जाएगी कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से अपनापन होगा और शरीर से सेवा हो। गुरु शरीर से सेवा की मनाही नहीं कर रहे, कह रहे शरीर से सेवा कर। शरीर से सेवा नहीं करोगे, ये बैठा रहेगा तो ये भिखार हो जाएगा, या फिर एक टाइम खा प्रसाद पाओ, एक टाइम प्रसाद पाओ, अब 3 टाइम खिलाओगे बैठा रहेगा, काम करेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा ना, शरीर बेकार हो जाएगा। तो अगर इसको आप प्रसाद खिला रहे हैं, पवा रहे हैं, तो फिर इसको 3 प्रसाद वो सेवा भी हो और कुछ भी बोझ ना लगे, कोई भी काम बोझ ना लगे, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। ये मान के करिए, घर भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, बच्चे भगवान के हैं, सेवा हो रही है, ठाकुर जी की सेवा हो रही है, सब ठाकुर जी का है। पर आपका जो नियम है, भजन का नियम है, भजन का जो नियम है और जो नियम है, उनको थोड़ी देर एकांत में भगवान के साथ जरूर बैठिए, है ना। एकांत में सुबह उठकर 5 बजे 4 बजे जैसा आपका नियम है, जितना आपका शरीर अलाउ करता है, जितना आप कर सकते हैं, उठकर एकांत में अकेले में भगवान के साथ जरूर बैठिए, उससे बातचीत करिए, उनसे बार बार अपनापन पक्का करिए और कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान सब कुछ तो आप है, आप याद है तो आबाद है, आपको भूल गए तो बर्बाद है। प्रभु ते भूलियाँ तो व्यापहि सभी रोग, भगवान को भूलते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आ जाते हैं, सब बीमारी व्यापने लगती है, अहंकार आ जाता है, जबकि मैं नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं इस शरीर में। बताइए मैं कहाँ, जो कुछ है सब भगवान, सारी शक्ति भगवान की, सांस भगवान की, दिल धड़काना उनका, खाना पचाना उनका, सब कुछ तो उनका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, मेरा क्या है बताइए, मेरा कुछ है? जैसे कोई चीज़ सस्ती होती है, जैसे अब दिवाली के करीब चावल, नवंबर में करीब चावल की फसल आती है, चावल तब सस्ता होता है, आप सस्ता खरीद लीजिए और फिर उसको थोड़ा, फिर उसको जब थोड़ा महंगा हो जाए तो बेच दीजिए तो आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक, उस चीज़ की बिक्री कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से अब कलयुग में भगवान बहुत सस्ते, कलयुग में भगवान बहुत सस्ते, कैसे? आप उनसे, भगवान ने कहा कि कलयुग नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार, आप नाम लेते रहिए, आप भगवान का नाम लेते रहिए, अपनापन करिए पहले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से संबंध बनाइए और अपनापन करके उनका नाम लेते रहिए, कहते रहिए बीच बीच में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बीच बीच में ये भी कहते रहिए, नाम जप करते रहिए और कहते रहिए और भगवान से प्रार्थना भी करते रहिए कि भगवान मेरा मन इधर उधर ना जाए, मेरा मन आप में रहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरा जन्म व्यर्थ ना जाए, हर पल हर क्षण आप याद रहे, है ना। ऐसी जन्म, कितना सुंदर जन्म
गुरु भी मिले, नाम जप भी मिला, भगवान की याद भी मिली, सत्संग भी मिला, और हमने अपनी मेहनत नहीं करी, है ना, हमने अपनी मेहनत नहीं करी, तो जन्म तो व्यर्थ चला गया। तो अपनी मेहनत क्या करें, अपनी मेहनत करें कि बार बार संबंध बनाए और नाम जप करते रहे, संसार में राग द्वेष न करें किसी से। संसार में राग द्वेष कर लेते हैं ना, संसार में राग द्वेष न करें किसी से, प्रेम का भाव रखें, है ही भगवान। हमें कोई हमारे स्वभाव संस्कार किसी से नहीं मिलते, तो सिर्फ उसके तरफ शुद्ध भाव रख के अपने मन को वहाँ से हटा लीजिए, है ही भगवान कह के वहाँ से मन को हटा लीजिए। जो सेवा बन पड़े वो कर दीजिए, बाकी ज़्यादा बात मत करिए। भगवान ने कहा एकांत में रहे। एकांत में क्यों? क्योंकि अगर दो लोग साथ में होते हैं तो क्या होता है, बात होती है, और अकेले होते हैं तो किससे बात करेंगे, भगवान से ही करेंगे। और भगवान ने कहा हे अर्जुन, जहाँ जहाँ भी तेरा मन जाए वहाँ से हटा के फिर मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा। भगवान तो कह रहे हैं तेरा मन तो इधर उधर जाएगा ही, तो उसको फिर मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा, इधर उधर जाने मत दे। और महत्व, हमारी महत्व बुद्धि किधर है? महत्व बुद्धि किस में है? महत्व बुद्धि संबंधों में है, पैसे में है, और रिश्तेदारों में है, या भगवान में है? महत्व बुद्धि किस में है? तो सारी महत्व बुद्धि भगवान में रखें, गुरु में रखें, क्योंकि गुरु ही संबंध जोड़ रहे हैं, सत्संग ही संबंध जोड़ रहा है। सत्संग न सुने 10 दिन तो फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो इसलिए अपनेपन का संबंध भगवान से करें और भगवान को याद करते रहें। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि तुम सारे दिन भगवान को जपते रहते हो, क्या करते हो, राम राम करने से क्या कोई राम सुनते हैं? तो उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा सुरेश तुम बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल नालायक हो। सुरेश बहुत गुस्सा हो गया, बोला तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, और वो एकदम उससे गर्मा गर्मी हो गई। तो उसने कहा मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बोले नहीं तुमने मुझे कहा। बोले तुम कह रहे हो ना क्या क्या होता है राम राम कहने से, या हरे कृष्ण कहने से। जब तुम्हारे नाम लेकर मैंने तुम्हें कहा कि तुम बेवकूफ़ गधे हो, तो तुम्हें इतना असर हो गया। तो भगवान का नाम लेके जब हमें उनको अपनापन करके सारा दिन उनको याद करेंगे, उन्हें पुकारेंगे, तो उन पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा बताइए? पड़ेगा, पड़ेगा। अब कुछ लोग कर्मयोग के आचरण से चलते हैं, वो सारा दिन सेवा करते हैं, जैसे चल रहा है आजकल, है ना, खूब सेवा चल रही है, ब्रज में भी चल रही है और गुरु भगवान भी कर रहे हैं, खूब सेवा चल रही है, वो भी बहुत अच्छा है। जिसको जो रुचे, जिसकी जैसी रुचि हो, अगर आप दोनों कर सकते हैं तो दोनों करिए, क्योंकि कहा है सिमरन, है ना, प्रभु का सिमरन साधु के संग, चाह भी उपजे तो साधु के संग। तो सिमरन भी करिए और सेवा भी करिए, तो दोनों चीज़ें होती रहे, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, गुरुदेव झोली में मेरी भरते। तो गुरुदेव मेरी झोली में सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा भी, पहले सुमिरन हो, भगवान से अपनापन हो, फिर सेवा हो, और फिर जो सेवा सत्संग हो, और फिर सेवा जो हो जाए। तो ये जीवन जो है ये बड़ी जल्दी जा रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते। बहुत गई, थोड़ी गई, थोड़ी भी अब जाए, बहुत जल्दी समय भाग रहा है, समय भाग रहा है। इन सांसों को हम रोक नहीं पाएंगे। आदमी माने एक दमी, एक गई, दूसरी नहीं आई, खत्म। तो इस जाती हुई सांसों में हम प्रभु का नाम जप लें तो हमारा क्या जाएगा, क्या जाएगा बताइए? बस शौक होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और भगवान के नाम में महत्व होना चाहिए।
भगवान में महत बुद्धि होनी चाहिए कि प्रभु जी जो साधन आप कर रहे हैं, अंदर में निश्चय होना चाहिए ये साधन से ही मेरा कल्याण हो जाए, है ना। अंदर में पक्का होना चाहिए कि इस साधन से ही मेरा कल्याण हो जाए। तो अगर आप नाम जप कर रहे हैं, दो चीज़ें बता दी गुरु ने, नाम जप करो, सेवा करो, संसार में किसी से अपनापन मत करो क्योंकि कोई आपका नहीं, प्रेम का व्यवहार सबसे करो, सेवा सबकी करो, पर अपना मत मानो, मेरा कोई नहीं है, ठाकुर जी आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो। अच्छा, जो शरीर से बेटा बेटी हैं उनको कुछ हो जाए तो मन में चिंता फिक्र होती है, कहो ठाकुर जी आपके हैं, आप जानो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है। तो जैसे ही हम कह देते हैं ठाकुर जी आप जानो आपके हैं, हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार हैं, आप किसी को बदल नहीं सकते, आप ज़्यादा किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्या करें, आप अपना भजन करिए, आप अपना पढ़िए लिखिए भजन करिए, जो सेवा मिली है वो सेवा करिए, है ना, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, भजन करते रहिए, नाम ना बिसरे नाम ना बिसरे नाम ना बिसरे नाम ना बिसरे। हमारा नाम भगवान का जो नाम है वो चलता रहे, भगवान से जो अपनापन है, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। गुरु कहते हैं नाम जब भी करो और अपनापन करके नहीं करो तो इतना लाभ नहीं होगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अभी, होके राम का नाम जप। तो होके राम का, भगवान का होके नाम जप, तजी कुसमाज। अब कुसमाज क्या है, जो हमने संसार से अपनापन कर लिया, जो हमने शरीर से अपनापन कर लिया, है ना, जो अपना मन शरीर मन हमने अपने संसार में फंसा दिया, ये कुसमाज। तजी कुसमाज, कुसमाज को तजे कि भगवान नहीं, ये शरीर भी छूटने वाला है, ये घर परिवार भी छूटने वाला है। आप लोग पक्का करते हैं विचार में कि शरीर घर परिवार सब छूटेगा एक दिन, सब छूटेगा, क्या नहीं छूटेगा, ठाकुर जी नहीं छूटेंगे। अनेक जन्मों में कौन हमारे साथ रहा, ठाकुर जी रहे। जितना आप भगवान से अपनेपन का संबंध करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो काम क्रोध लोभ जो विकार है मन में, राग द्वेष, ये अपने आप धीरे धीरे भगवान के कहने जी भगवान से अपनेपन से ये धीरे धीरे अपने आप खत्म होते जाए, है ना, भगवान अपने आप खत्म होते जाए। और वैसे आप इनको वश करने की कोशिश करिए, नहीं होते, क्यों, क्योंकि हम मैं में बैठकर इनको वश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं में बैठ के नहीं वश करना है, भगवान से अपनापन करके, तो जहाँ भगवान है वहाँ किस किस विकार की ज़रूरत है कि वो आ जाए, आ सकता है कुछ, कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए भगवान को हमेशा याद रखिए, गुरु का हमेशा शुक्राना मानिए, हमेशा शुक्रानों में रहिए, शुक्राने मानते रहिए, क्योंकि शुक्राना मानने से बहुत एनर्जी आती। जैसे ही आप कहते हैं सब ठाकुर जी का है, सब ठाकुर जी का है, सब भगवान का है, आप रिलैक्स हो जाते हैं नहीं, और मेरा मानते हैं तो चिंता फिकर टेंशन स्ट्रेस। तो बार बार कहिए सब ठाकुर जी का है, सब ठाकुर जी का, वो जाने, एक दिन आँख हमारी बंद हुई तो क्या साथ ले जाएंगे, क्या साथ ले जाएंगे, विचार करें, जाएगा साथ कुछ, ये दुकान मकान घर परिवार क्या साथ जाए, तो इतना क्यों मैं मेरा मान के बैठे हैं, इतना क्यों अपनापन करके बैठे हैं। तो जीते जी इनसे संबंध विच्छेद करें, जीते जी इनसे इनसे अलगाव करें, और सेवा करें, सेवा करके हम इस हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं, है ना। इस शरीर का ये संसार पे ऋण है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम खा रहे हैं पी रहे हैं आराम कर रहे हैं, तो ऋण है ना,
तो ऋण कैसे चुकता होगा सेवा करने से। तो गुरु बार बार दो ही चीज़ें पक्की कराते हैं, भगवान को हर समय याद रखो। एक बार शिव जी ने माता पार्वती को, माता पार्वती ने देखा कि शिव जी ने दो बार किसी को नमस्कार किया, तो उन्होंने कहा तुमने, आपने दो बार क्यों नमस्कार किया? बोले इसने भगवान का नाम लिया था इसलिए दो बार नमस्कार किया, राम राम कहा था इसने, आप हरे कृष्ण कह दीजिए, पर दृष्टांत में राम राम है तो राम राम कह दिया, राम राम इसने कहा तो मैंने दो बार नमस्कार किया। तो फिर पार्वती जी पूछती हैं कि आप जो हैं वो भस्म क्यों लगाए रहते हैं? तो उनको शमशान में ले गए और बोले कि देखो यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं इस मुर्दे को लेके, सब क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य। क्या कह रहे हैं? राम नाम संग है, राम नाम सत्य। और जीते जी मरने के बाद जब वो मुर्दा सुन नहीं सकता तो हम क्या कह रहे हैं? राम नाम संग है, राम नाम सत्य। और जीते जी पैसा संग है, घर परिवार संग है, ये सब संग है, और मर के क्या सुना रहे हैं मुर्दे को? राम नाम संग है, राम नाम सत्य है। तो जीते जी क्यों नहीं जपा? जीते जी क्यों नहीं जपा? अगर जीते जी जप लेते तो कहते हैं शिव जी कि ये सब लोग जो हैं इस मुर्दे के निमित्त से सब भगवान का नाम ले रहे हैं, सब कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम, यही तो कहते हैं। पता ही क्या कहते हैं? राम नाम साथ है, सत्य है, राम नाम संग, यही कहते हुए ले जाते हैं। फिर जैसी मुर्दे को फूकते हैं फिर क्या कहते हैं? फिर वही बातें करने लगते हैं संसार की, तेरा बिजनेस कैसा, मेरा बिजनेस कैसा, मेरी बेटी कैसी, तेरी बेटी कैसी, शादी हुई नहीं हुई, संसार की बातें करने लगते हैं। किसी को वैराग आता है? तो कहते हैं मैं इस मुर्दे की भस्म लगाता हूँ ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, और राम ही का नाम लेना है। शिव जी राम का भजन करते हैं और राम जी शिव जी का भजन करते हैं, इसलिए मैं हमेशा भगवान का नाम लेता रहता हूँ, राम राम करता रहता हूँ। तो जो चीज़ हमें अंत में याद दिलाई जाएगी, जो हमारे काम नहीं आएगी, वो हम जीते जी क्यों नहीं कर लेते? भगवान से अपनापन करें, उनसे संबंध बनाएं, बार बार उन्हें याद करें, बार बार शुक्राना मान। करोड़ों चीज़ें जिनका हम शुक्राना मान सकते हैं, हर समय शुक्राना एक तरीका है, हर समय भगवान को याद करने का शुक्राना तरीका है। गुरु ने इतना कुछ हमें दिया है, कौन से आपके माता पिता ने आपका काम क्रोध दूर किया, आपकी मोहासक्ति दूर करी? कर सकते हैं माता पिता? गुरु ने करा। माता पिता ने संबंध बनाया भगवान से? नहीं बनाया। उन्होंने कहा तू मेरा बेटा बेटी है। किसने संबंध बनाया भगवान से? गुरु ने। तो गुरु के अनन शुक्राने मानिए, भगवान से बार बार अपनापन करिए, भगवान के शुक्राने मानिए, भगवान जी हम तो आपके हैं, हमारा तो जीवन, हमारा तो अस्तित्व, हमारा तो वजूद आपसे है प्रभु जी, हम हैं क्या? है क्या ये शरीर मिट्टी का ढेर? कुछ तो है नहीं इसमें, कुछ भी तो नहीं है इसमें, तो किस चीज़ की मैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम, भगवान की याद, भगवान के शुक्राने, गुरु के शुक्राने, गुरु की याद। फिर एक बात, उड़िया बाबा जी के पॉइंट्स आपके पास आते होंगे, पढ़ते होंगे आप लोग, उसमें एक पॉइंट था कल बहुत अच्छा लगा कि अगर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, मन शरीर और वाणी, अब हमें इन तीनों में से एक को भी स्थिर कर लें तो और दोनों स्थिर हो जाते। वाणी को स्थिर कर लीजिए, है ना? वाणी को कम बोलिए। हम लोग घर में कितना बकबक करते हैं, कितना बोलते हैं, स्त्रियां तो ज़्यादा बोलने के लिए फेमस हैं,
कम बोले, ज़रूरत का बोले, ज़रूरी हो तो बोले, ये तो चुप रहे। क्यों बोले? बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। मौन रहे, शांत रहे, जप करते रहे, एक भी मिनट वेस्ट क्यों जाए। जो लोग पैसे के संग्रही होते हैं वो पैसा ऐसे ही वेस्ट थोड़ी ना करते हैं। आप वेस्ट करते हैं पैसा? नहीं। टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? समय भी तो जा रहा है, जीवन भी तो जा रहा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, एक दिन अंतकाल आ जाएगा। तो हमें अफसोस तो नहीं होना चाहिए, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, मैंने भगवान को याद नहीं किया, मैंने अपना स्वभाव नहीं सुधारा, मैंने कोई सेवा नहीं करी। गुरुजी आजकल कितनी सेवा करा रहे। तो हमें अफसोस तो ना हो ना कि मैंने जीवन को ठीक से नहीं जिया। तो खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब भगवान को याद करिए, खूब जो भी सेवा। और देखिए अपने घर की आप कितनी भी सेवा करते हैं, गुरुजी ने बताया ना कि आप अपने घर के लिए कितना भी मरे मिटे खूब किया, कौन याद करता है? याद करते हैं? बच्चे कह देते हमारे माता पिता, वो भी कम कहते हैं, कम बहुत अच्छे थे, कौन याद करता है, कौन शुक्राना मानता है? पर यही अगर आप अपने वालों से अलग किसी और के लिए करिए हो, वो आपसे अपनापन मानता। और सत्संग कर दीजिए तो सत्संग की कितनी महिमा, सत्संग की कितनी महिमा है, सत्संग की बहुत महिमा है। एक टाइम में 800-900 लोग गूगल मीट पे सुन लेते। देखिए आपने एक घंटे सत्संग किया, इतने सारे लोगों ने सुना, कितने सारे लोगों को लाभ हुआ, कितना बड़ा काम हो रहा है। अम्मा जी तो यही रटवाते थे ना, तुम संकल्प करो मेरा जीवन निष्काम ही बने, मेरा जीवन सबके हित के लिए हो। अब क्योंकि भक्ति आ गई तो गुरु कह रहे हैं मेरा जीवन, अम्मा जी निश्चय करते थे कि मैं आत्मा हूँ। हम पक्का करा रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, एक ही बात। ये इसमें ज़्यादा प्रेम फील होता है। किसी ने पूछा कि चुप साधन कैसे करें भक्ति योग में, तो उन्होंने कहा भगवान के चरणों में पड़ जाओ और चुप हो जाओ। भगवान के चरणों में पड़ जाओ कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और चुप हो जाओ। तो ऐसा हम लोग वो करें, मतलब अपना एक भाव बनाएं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के चरणों में हम पड़े हैं, और चुप हो जाएं थोड़ी देर की। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हम भगवान के चरणों में पड़े हैं, और चुप हो जाइए। अपनी तरफ से कोई संकल्प विकल्प मत करिए, मन में कोई भाव आए तो उससे मिलिए मत। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।